हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स को कैसे लोकेट करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लास 6 में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया होगा नंबर लाइन पे, जहां सेंटर पे ओरिजिन पे जीरो होता है, राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर। इसको हम कहते हैं x एक्सिस। अगर इसी के परपेंडिकुलर एक और एक्सिस में ड्रॉ कर लूं जो ओरिजिन को टच करके निकले, तो यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गए, y का कोऑर्डिनेट भी जीरो हो गया, y के का पॉइंट भी जीरो हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मतलब दोनों पॉइंट, x एक्सिस का पॉइंट और y एक्सिस का पॉइंट क्या हो गया, जीरो जीरो। जितने अबव सी लेवल यानी जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो अपवर्ड में होते हैं ओरिजिन के ऊपर साइड में, और जितने नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स में होते हैं, -1, -2, -3, -4 लाइक दैट, इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को हम कंसिडर कर रहे हैं, वाई क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस परपेंडिकुलर में है एक्स एक्सिस के। तो जब x और y दोनों एक्सिस को हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम इसको कहते हैं xy प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। रेने डेकार्टिस जो मैथमेटिशियन है, इन्होंने बताया था कि अगर हमें किसी पॉइंट की लोकेशन चेक करनी है, जैसे कि मैं अभी क्लासरूम में पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बोलूँ कि मैं रूम के राइट साइड में बैठी हूँ, तो राइट साइड में बहुत सारा सामान है, उसमें मेरी एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो सिर्फ राइट साइड इनफ नहीं है, है ना। रूम का एक और इन्फॉर्मेशन कम से कम मुझे देनी होगी कि मैं राइट साइड में किस तरफ बैठी हूँ, है ना। दैट मींस कम से कम दो इन्फॉर्मेशन, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही हमारे पास हो तो हम किसी पॉइंट को प्रॉपरली लोकेट कर सकते हैं। अब हम एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, और वाई एक्सिस पे जो हम पॉइंट लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, देखेंगे, है ना बच्चों। लेट अस टेक फॉर आवर कन्वीनियंस, लेट अस टेक ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अभी फर्स्ट सेकेंड क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। सपोज कि कोई एक पॉइंट मुझे लोकेट करना है, दिस इज अ पॉइंट ए एंड हुज वैल्यू इज एक्स एंड वाई। दैट मीन्स इन इंग्लिश अल्फाबेट एक्स कम्स फर्स्ट, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को देखेंगे फिर वाई एक्सिस को देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए की बात हो रही है ना, तो पॉइंट ए जो है कितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस पे, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे, तो ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस मूवमेंट हमने किया इसको हम कहते हैं एक्स, इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं एब्सिसा, एब्सिसा यानी x पे जितना डिस्टेंस आपने x एक्सिस पे चला, और y एक्सिस के पैरेलल यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस चलेंगे आप उसको y यानी ऑर्डिनेट कहते हैं, और इस तरह एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलकर बन गया कोऑर्डिनेट जिसको हम xy भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। और अगर हम थोड़ा डिटेल में देखें तो नेक्स्ट फिगर में हमने एब्सिसा की वैल्यू ली है 2 यूनिट्स और ऑर्डिनेट की वैल्यू ली है 5 यूनिट्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट से 2 एंड 5। तो जब हम इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, जो एक्चुअल हमारा प्लेन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। लेट अस टेक, ये एक एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पर प्लेन 4 भागों में बट गया। ओरिजिन पे ओ एक्स ये पॉजिटिव डायरेक्शन है पूरा पॉजिटिव, ओ वाई दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव डायरेक्शन,
positive, then OX dash negative, OY dash negative. So जो पॉजिटिव है दोनों उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं. व्हाई वी कॉल इट एज क्वाड्रेंट, बिकॉज़ एक प्लेन के चार बराबर टुकड़े हो गए. सो 1/4 पार्ट ऑफ अ प्लेन इज नोन एज क्वाड्रेंट. सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. हियर वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y बोथ आर पॉजिटिव पॉजिटिव, सो वी कॉल इट एज फर्स्ट क्वाड्रेंट इज हैविंग बोथ द वैल्यूज पॉजिटिव. सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, दिस इज अवर सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पहले लेंगे हम, तो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, सो वी कॉल इट एज माइनस प्लस. थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पूरे नेगेटिव है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लाइक दैट, और y की वैल्यूज भी नेगेटिव है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री लाइक दैट. सो हम कह सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ द वैल्यूज x एंड y आर नेगेटिव. And in fourth quadrant, since x is positive, plus 1, plus 2, and y is negative, so we call it as plus minus. ये आपका fourth quadrant. तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं, इसको हम xy plane क्यों कहते हैं, आपको clear हो गया होगा. इसलिए क्योंकि xy plane में हमें fourth quadrant मिलते हैं. जब हम x axis और y axis को intersect करते हैं origin पर, तो हमें फोर क्वाड्रेंट मिलते हैं. क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, चारों के साइन हमने डिस्कस किए अभी आपके सामने. फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस. आपको याद करने या रटने की जरा भी जरूरत नहीं है. आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रॉपरली ड्रॉ कीजिए साइन के साथ, एंड तब आपको इजिली हर क्वाड्रेंट के साइन पता चल जाएंगे. मेमोरी के लिए जस्ट हम ऐसा याद रख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाई इज नेगेटिव. ये हमारे मेमोरी के लिए हम रख सकते हैं. रटने की वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर कभी कंफ्यूजन हुआ तो फिर से देख लीजिए. फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ओनली एक्स इज नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली वाई इज नेगेटिव. चलिए एक एक्टिविटी करके देख लेते हैं. लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. सो पॉइंट बी इज एट 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस. लेट अस ड्रॉ दिस लाइन एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस. दैट मीन्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट and on y-axis is 4 units. So coordinates of point B is value of x is 3 and value of x is 4 and value of y is 3. Similarly, we can find value of m. So from origin, let us move 3 steps. 1, 2, 3. From 3, we have to take perpendicular distance up to point 4. So, coordinates of point M is minus 3 and plus 4. Similarly, let us locate L, point L. So, on x-axis it moves minus 5 and on y-axis it moves 4 steps downwards, that means minus 4. So, we can locate L point as the value of x comes first, so minus 5 minus 4. So abscissa is minus 5 and ordinate is minus 4. Now let us come to next, that is S. Here the x distance is 3 units and y is minus 4 units. So coordinate of point S is abscissa is 3 units and ordinate is minus 4. So in this manner we can locate all the 4 points in this xy Cartesian plane very easily. What we have to keep in our mind is ordered pair. What do you mean by ordered pair? Every points like B, M, L and S. B, M, L and S. All these 4 points are ordered, that means first the value of x comes first. Okay, so 4, 3, coordinates of m is
minus 3 and 4. Coordinates of L is minus 5 and minus 4. And coordinates of S is 3 and minus 4. We can check the position of all these points. Here all the two coordinates are positive. So this comes in first quadrant. Here value of X coordinate is negative. So second quadrant. Here both are negative. So this point comes in third quadrant. And here value of Y is negative. So this value comes in this point located in fourth quadrant. So in this manner we can cross check also. Either we have given the correct name to this or not. And all the points are in all the four quadrant or not. From this also we can also conclude that point 4-3 is never equal to 3-4. Just come here and try to locate point 3-4 on this xy plane. So as the value of abscissa is 3, we have to take 3 units, and ordinate is 4, we have to move up to 4 unit. So it's very clear, and we can easily see that 3-4 is never equal to 4-3. That means the order of the number must be very, very important. It should be kept in mind that the x value, that means the abscissa must come first and then ordinate will come. So we can take the points in ordered pair. Every time try to give the x value first and then only y value. So I think you have understood this. Now, after this, who gave this system? This is a very unique system. This system was given by René Descartes, our mathematician René Descartes, father of modern philosophy. He gave Cartesian coordinate system also, and he also applied algebra to describe the geometry. And also the sine rule, which we are using today, is also given by our respected René Descartes sir. Now, here also in this sine rule, we see that all the four points, all the four quadrants have different sign. And the thing which we have to keep in our mind, jo hume dimag mein rakhna hai, that is ordered pair. Every time X comes first and then only Y. So, ordered pair mein likhenge. Uske baad hai, jo bhi humne point locate kiya, XY point ko humne XY plane mein locate kiya, X aur Y ko, us point se hum ek equation bana sakte hai, Y is equal to AX plus B. Agar hum us point se lines pass karte hai, to ek single point se infinite many lines can pass through. Infinite many lines can pass through this point x and y. We call it as Cartesian plane. And when we write the line, it looks like y is equal to ax plus b. Here a and b are constant and x and y are two variable, and hence the power of x and y is one only. We call it as linear equation in two variable. So we are going to study about linear equation in two variable in the next chapter. And one more interesting thing, why we are studying coordinate geometry, because this chapter is very, very interesting and very useful in several fields of our life. To draw different type of shapes, what we have to do is we have to locate points on particular distance, and when we join these points, we get different type of patterns. We also use this in the designing, textile designing, jewelry designing. We also use this coordinate geometry in making what we call as rangoli.